सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी थे और उनके माध्यम सबको भेंट दी गई, दिवाली के लिए शुभकामनाएं दी गई और सबसे बातचीत हुई। किसी को समस्या है तो वो, वैसे बहुत कम समस्याएं बची हैं किंतु अगर किसी को थी तो वो भी हमने नोट की हैं और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तीन योजनाएं मुख्य तौर पर इस तरह कैटेगरी के बच्चों की चल रही हैं जिनके माता पिता दोनों खोए हैं कोविड के समय। एक तो पीएम केयर योजना है जिसमें कि लगभग 29 बच्चे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल कोविड सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू चालू की थी जिसे 5,000 रुपये बच्चों को मिल रहे हैं और एक मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी चालू की गई है जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 4,000 मिल रहे हैं और 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 5,000 रुपये मिल रहे हैं। उन सब बच्चों को बुलाया गया था, इनके साथ दिवाली एक मिलन टाइप का पूरा कार्यक्रम हुआ। सभी जनप्रतिनिधिगण सभी से मिले हैं बच्चों से जा के उनके पास में और उनका हालचाल जाना है, उनको शुभकामनाएँ दी हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बात की है, उनके जो बालकगण हैं जो उनके गार्जियंस हैं उनके उनसे पूछा है कि उनको कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि उनके जो गार्जियंस हैं उनको स्वस्थ रहेंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी तो बच्चों की केयर अच्छी करें, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। सभी जनप्रतिनिधिगणों ने सब जगह जा करके सबके हाल चाल और कुशल क्षेम के बारे में जानकारी ली है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी समस्या आई भी है तो हम लोगों ने नोट की है उस पर, उसको सॉल्व करेंगे। सर, इंदौर में स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी फीस को लेकर भी स्कूल एक साल के लिए हम लोगों ने सभी की माफ़ करा दी थी और कई बच्चों को स्कॉलरशिप भी इसमें मिलेगी इसमें और जो स्कॉलरशिप के नॉर्म्स हैं। एक बच्चे का स्कॉलरशिप का मसला भी आया था, निजी स्कूल में पढ़ रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। भाई बहन है, भाई है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जो बच्ची स्कूल में पढ़ रही है उनका करीब 15 लाख का लोन उनके पेरेंट्स ने लिया था। तब समय लगभग एक वर्ष पूरी हम लोगों ने जन भागीदारी से उस संबंधित बैंक में 15 लाख रुपये जमा करा दिए थे और उस मकान को फ्री करा दिया था ताकि बच्चों पे किसी प्रकार का प्रेशर इस पर नहीं आए। अभी टोटल लगभग उसमें बाल सेवा योजना में कितने थर्टी नाइन बच्चे हैं, उनमें से 27 बच्चे आज आए थे और बाकी लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट उन बच्चों को दे दिया है यहाँ पर, बाकी बच्चों को हम लोग घर पे उनको बुला के अलग से जाके देंगे। बहुत सारे बच्चों को, कई जो जागरूक नागरिक हैं शहर के उन्होंने भी गोद लिया हुआ है, उनका पर्सनल इंश्योरेंस कराना, उनके पढ़ाई की चिंता करना, उनके त्योहारों में जो बच्चियों को कई लोगों ने गोद लिया है बच्चों के त्योहारों में उनको साथ में रखना, तो यहाँ के जो जागरूक नागरिकगण हैं इंदौर के उन्होंने काफ़ी चिंता कर रहे हैं और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी जो शुरू में जो हम लोग मिला करते थे एक साल पहले या